नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जिसमें मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 22 रुपीज से कि इसको बाय कर लो, बाय कर लो और होल्ड करो। और स्टॉक देखिए अब 22 रुपीज से पहुंचकर 72 रुपीज हो चुका है। आज उसमें फिर से एक फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट आया है। अगर आप स्टॉक का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में ये भी बताएं क्या आपके पास अभी तक होल्ड है या आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि जो पेशेंस रखता है प्रॉफिट उसी को मिलता है। दोस्तों मैं पेशेंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पन्मा पेट्रोकेमिकल, ये देखिए स्टॉक में आपको लगातार 40 और 50 के रुपीज से आपको लगातार रिकमेंड करता आ रहा था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी वीडियो के माध्यम से। बट देखिए जिसने पेशेंस किया, जिसने अपने अपने आप पर डिसिप्लिन किया, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर भी ये देखिए 50 के प्राइस पर ये स्टॉक भी काफी बार इसने तंग किया था। 50 के रेंज के अंदर ये स्टॉक रहा था, बट जब इसने फिर चलना स्टार्ट किया 50 के बाद से, और आज ये स्टॉक देखिए 300 रुपीज को टच कर चुका है। और ये 50 को ज्यादा टाइम नहीं, लास्ट सितंबर 2020 की बात है। तो अभी एक साल के अंदर देखिए स्टॉक जो 50 रुपए वाला था वो ऑलरेडी 300 हो चुका है। आज की वीडियो में हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ पन्मा पेट्रोकेमिकल का, कि स्टॉक में आपको टाइम देना पड़ता है। और साथ में दोस्तों जो बुल मार्केट में जो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलते हैं, अप ट्रेंड के बाद एक थोड़ी सी करेक्शन देते हैं फिर अप ट्रेंड में चलते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आप उनमें लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हो और उनमें आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आपने थोड़ा प्रॉफिट किया, फिर जब करेक्शन के बाद फिर से उसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया तब आप उसमें फिर से उसमें बाइंग कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक को आप लगातार पकड़ते रहे, ऐसे स्टॉक को आप मिस मत कीजिए। हाँ, जो स्टॉक जिन स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है या जो स्टॉक रिवर्स हो गया है, डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया है बुल मार्केट में भी, उन स्टॉक से आप दूरी बना लीजिए, वहां से एग्जिट कीजिए। वो वाली कैपिटल आप दूसरे स्टॉक में लगाइए जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहे हैं, जहां पर नए नए ब्रेकआउट आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक लॉस में जा रहे हैं उनको डेली देखते रहते हैं और उन्हीं में बार बार एवरेज करते रहते हैं। अगर उनका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तब भी उनमें बार बार एवरेज करते हैं, उनको बार बार एवरेज मत कीजिए। अगर वहां से आपने एग्जिट भी नहीं करना तो उनको साइड में रखिए। अगर आपके पास दूसरी कैपिटल है तो वो बाकी कैपिटल आप दूसरे जो फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट मिल रहा है उनमें लगाएं, और जो आपका लॉस था वो भी लॉस भी कवर हो जाएगा और आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है ट्रेडर विशाल शर्मा। अगर आप नए ट्रेडर हो तो उनको नहीं पता होगा, देखिए पन्मा पेट्रो मैंने कितनी बार आपको रिकमेंड किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए 40 के रुपीज पर मैंने आपको रिकमेंड किया था, और ये आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 अगस्त 2020 को। उसके बाद भी देखिए आप, फिर मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया था बार बार, यहाँ पर भी देखिए फिर से, ये देखिए फिर से 51 के प्राइस पर दिया, और देखिए तब आपको शॉर्ट टर्म के फिर से टारगेट दिए थे, और मैं आपको बार बार लगातार इसमें देखिए रिकमेंड करता रहा था। फिर 77 के रुपीज पर भी तब आपको 130 तक टारगेट दिए। तो देखिए जिस स्टॉक में लगातार वहां पर ब्रेकआउट आते रहते हैं तो उन स्टॉक को फिर मिस नहीं करना चाहिए, वहां पर तुरंत बाई करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कॉन्फिडेंस पेट्रोल लिमिटेड, आज इसमें फिर से फ्रेश ब्रेकआउट आया है, इसके पीछे क्या डाटा पॉइंट है, क्या न्यूज है, उसकी भी बात करेंगे। और ये स्टॉक भी दोस्तों, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि मैं स्टॉक ये लगातार 22 के प्राइस से आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, और साथ में आपको रीजन लॉजिक भी बता रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको ये लॉजिक दिया था कि वहां पर बार बार जो प्रमोटर हैं वो इसमें स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, और साथ में कंपनी कुछ डेवलपमेंट भी कर रही है, उसकी भी न्यूज आ रही है। अभी भी ये न्यूज आ रही है कि सिलेंडर कैपेसिटी की भी वहां पर इन्होंने रेस किया है, तो वो भी न्यूज चल रही है। बट अगर आप कुछ डाटा पॉइंट देख लोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि स्टॉक में मूवमेंट जरूर आएगा और ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। दोस्तों जिनको नहीं पता तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्टॉक भी आपको कितनी बार रिकमेंड किया, और अगर आपने मेरे स्टॉक्स में प्रॉफिट किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये देखिए यहाँ पर भी देखिए 20 रुपीज में आपको इसलिए प्रूफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इस स्टॉक को सबसे पहले मैंने ही आइडेंटिफाई किया था और रिकमेंड किया था। देखिए फ्री टेलीग्राम चैनल पर 22 रुपीज पर आपके साथ रिकमेंड किया था, और ऐसा नहीं स्टॉप लॉस भी दिया था 16 का। और आप देख सकते हो कि लगातार, ये देखिए मैंने यहाँ पर सर्च बार में लिख दिया कॉन्फिडेंस, और लगातार बार बार इसमें देखिए रिकमेंड करता रहा,
और अभी लेटेस्ट भी आपको देखिए यहाँ पर कमेंट किया मैंने और आज आपके साथ यहाँ शेयर भी किया था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए ये 17 मई को आपके साथ फिर से शेयर किया था 61 के प्राइस पर और आपको बताया था कि ये टारगेट है। और मैंने अपने जो व्हाट्सएप मेंबर है उनको भी साथ स्पेशल मेंशन किया था अभी 12 अगस्त को कि इसमें हैविंग बाइंग कीजिए, इसमें ओवरबाउट आप कर लीजिए, ये स्टॉक आपके सारे लॉस रिकवर करवा देगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमने स्टॉक अभी रिकमेंड किया था 12 अगस्त को। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे स्टॉक में आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक को होल्ड करना है या वहां से एग्जिट होना है। तो देखिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि डिलीवरी परसेंटेज, आप डेली वाइज डिलीवरी परसेंटेज चेक कीजिए, ये मैं एनएससी की वेबसाइट से चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार ये 1 मंथ का डाटा है, यहाँ पर मैंने 1 मंथ सेलेक्ट कर लिया, आप इसमें वीकली भी देख सकते हैं। तो ये देखिए 1 मंथ में, देखिए ये देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 19 जुलाई को, तो 19 जुलाई को देखिए कि यहाँ 75% की 81 भी, और लगातार देखिए कभी भी 50 से नीचे नहीं गया, 50 से ऊपर ही 60 के आसपास इसमें डिलीवरी परसेंटेज आ रही थी और बीच बीच में 70 71 भी आ रही थी। और आज की ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे कि फिर इसमें 39, आज की ट्रेडिंग सेशन में इसमें कम आई है, उसका रीजन भी आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप इसमें अगर वीकली बेस पर भी देखना चाहते हैं कि वीकली बेस पर क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं डिलीवरी परसेंटेज पर और मंथली बेस पर क्या आ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर इस वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अगस्त को 61% थी, उसके बाद 67 हुई, नेक्स्ट वीक में डिलीवरी परसेंटेज उसके बाद 64, तो यहाँ पर देखिए 60 से अबव यहाँ पर मेंटेन थी डिलीवरी परसेंटेज। और मंथली भी आप देख सकते हो, तो मंथली भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मंथ अप्रैल के मंथ से यहाँ से डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ 38% था, फिर मई के मंथ में 45, फिर 56, फिर जुलाई के मंथ में 60% और अगस्त में 65, तो कंटिन्यू यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए आज डिलीवरी परसेंटेज इसमें कम क्यों, क्योंकि जो लोग यहाँ पर देखिए काफी डेज से, क्योंकि स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था 60 और 68 के बीच में, जो लोग जिन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा रखी थी, जो बड़े लोग हैं वो उन्होंने आज कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, तो इसलिए यहाँ पर आज आपको यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज कम मिली है, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर परसेंटेज होल्डिंग ज्यादा थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डिलीवरी परसेंटेज कम थी, बट आप देखोगे कि वॉल्यूम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज जो वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम था, वॉल्यूम काफी ज्यादा हुआ था, काफी ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेडिंग हुई थी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले भी यहाँ पर हुई थी, उसके बाद लगातार 3 4 दिन यहाँ पर कुछ डेज आप देख सकते हो कि हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ था और स्टॉक ऊपर की साइड में चला गया था। तो आज फिर से इसमें देखिए फ्रेश ब्रेकआउट आया है, ये 68 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, बिल्कुल जहां पर इसका जो हाई था आज उसी के पास यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो अब इसमें कुछ दिन 2 4 दिन 4 5 डेज इसमें फिर से एक मूवमेंट बनी रहेगी और फिर हो सकता है उसके बाद फिर से स्टॉक एक करेक्शन में चला जाए। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब भी स्टॉक चलता है कुछ डेज ऊपर चलता है फिर करेक्शन देता है, फिर ऊपर चलता है फिर करेक्शन चलता है। तो दोस्तों ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। और कुछ ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि जब ये देखिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसा मैं आप कहता हूं कि अच्छे जो जब तक देखिए क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए। ये देखिए आपको ये बार बार जब ऐसे स्टॉक एकदम से नीचे गया, यहाँ पर सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक नीचे जा रहे थे और आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक नीचे गया, बट यहाँ पर फिर से बाइंग आई, क्योंकि दोस्तों लास्ट वीक में प्रमोटर ने फिर से यहाँ पर बाइंग की थी। जब जब ये देखिए ऐसी कैंडल बनती है उसके बाद मूव जरूर आता है, यहाँ पर भी बनी। ये जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता, घबरा जाते हैं वो यहाँ, तो वो ऐसे समय पर एग्जिट कर जाते हैं। और ये देखिए फिर से यहाँ बाइंग आई, यहाँ पहले भी ऐसे हुआ था, तो जब भी स्टॉक में ऐसी कैंडल बने तो समझ लीजिए कि उसके बाद एक अच्छा मूव आने वाला है। और अगर हम आरएसई की बात करें तो आरएसई भी देखिए अभी 50 के ऊपर चल चुका है, 60 के ऊपर भी है, जब आरएसई यहाँ पर 80 के पास टच करता है तब इसमें फिर से करेक्शन आती है और 50 के आसपास फिर से इसमें बाइंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट रहेंगे 78 88, बट अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, 6 to 1 year 2 year होल्ड करते हो, तब आपको ये टारगेट आपको 200 तक भी देखने को मिल सकते हैं, और ज्यादा लॉन्ग टाइम होल्ड करोगे तो शायद ये 500 तक भी जा सकता है स्टॉक। तो आपको सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, लगातार डाटा पॉइंट जैसे डब्ल्यू परसेंटेज, प्रमोटर की होल्डिंग, रिजल्ट, ये सब आप लगातार वहां पर चेक करते रहिए और ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए जिनमें
बार बार स्विंग ब्रेकआउट आता रहता है। और दूसरा दोस्तों, आप ये भी समझ सकते हो कि स्टॉक में सिर्फ करेक्शन है या स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि जब ये स्टॉक एक रेंज के अंदर था तब वॉल्यूम बिल्कुल कम थे, मीन्स हैवी सेलिंग नहीं हो रही थी। आप यहां पर देखते हैं वॉल्यूम बिल्कुल कम थे, जो ये थोड़ी बहुत गिरावट थी वो सिर्फ वॉल्यूम नहीं थे उसमें, ऐसे ही पहले भी था। जब भी इसमें बड़ा मूव आता है, जब इसमें वॉल्यूम के जो ये कैंडल आप देख पा रहे हो, बड़े कैंडल बनते हैं, वो सिर्फ जब बनते हैं जब इसमें स्टॉक मूव ऊपर की साइड आता है। और ऐसे स्टॉक बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। जो स्टॉक सिर्फ एक रेंज के, वो एक वन साइडेड चलते रहते हैं, वन साइडेड चलते रहते हैं, बट वो स्टॉक दोस्तों फिर गिरते भी उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं। बट जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर आए हैं, वो कैसे होते हैं कि आज हमने स्टॉक लिया तो बस कल ही वो चलना स्टार्ट हो जाए, वो कंटिन्यू चलता रहे। जैसे कभी कुछ देर पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी इसी की, जब ये प्राइस 65 के आसपास था, मैंने तभी वीडियो बनाई थी, तब उस टाइम फिर एक ट्रेडर का कमेंट देखने को मिला था कि यहाँ पर सारे बेवकूफ बनाते हैं, ये स्टॉक तो चल नहीं रहा। बट ऐसा नहीं होता कि आज मैंने वीडियो बनाई, कल आपने लिया, तो वो हर बार वो वन साइडेड ही चलता रहे। स्टॉक मार्केट में अप डाउन आते रहते हैं, आपको सिर्फ पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। काफी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करीजिए। और साथ में मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, और अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। धन्यवाद।